मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं को पूरी तरह कुचलना है, इसके लिए अभियान जारी रहेगा। माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। शिवराज ने स्थानांतरण को लेकर कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। मंत्रियों के साथ बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने स्थानांतरण नीति को लेकर कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। अप्रैल माह में तबादलों से बैन हटाएंगे। मानवीय प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास होगा। इसके बाद वर्ष भर स्थानांतरण नहीं होगा। प्रत्येक विभाग समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर ले। बजट के संदर्भ में भी प्रत्येक विभाग योजनाओं की समीक्षा कर ले। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी का अद्भुत कार्य हुआ था, इस तरह धान की खरीदी भी ऐतिहासिक रही। मध्य प्रदेश का किसान संतुष्ट है। संबल योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जा रही है। इसके अलावा 20 जनवरी को रोजगार मेला होगा। शिवराज ने मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं को पूरी तरह कुचलने की बात कही। उन्होंने कहा माफियाओं पर अभियान जारी रहेगा। माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। आज एक ही पंक्ति का निर्देश है मेरा, अवैध शराब का धंधा पूरी तरह से नष्ट करना है। अब निर्देशों की सूची मेरे पास है, लेकिन मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहूंगा, कहां पकड़ो, कैसे पता लगाओ। पकड़ना है और समाप्त करना है माफियाओं। ये गंदगी की सफाई होनी पूरी तरह। जिले के अधिकारी अगर ठान ले तो कौन को पता नहीं चलेगा कि कहां बिक रही है, कहां बन रही है और कहां से आ रही है। ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जड़ों पे हमला करो, जड़ों पे प्रहार करो, और कैसे करो ये निर्देश मैं दूं इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। पहले तो बधाई इस बात के लिए कि कुछ जगह माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो प्रशंसनीय है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जारी रखने ही है। कुछ जिले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पृथक से विशेष अफसरों पर इसका उल्लेख भी करेंगे, और जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।